हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर बिलो, द फोर्स एफ न्यूटन ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द पोजीशन एक्स मीटर इन अ सर्टेन मैनर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इज 12 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 14 मीटर। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमें फोर्स और पोजिशन के बीच में ग्राफ गिवन है। हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 14 मीटर क्या होगी। अब देखो, हमें पता है कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगर मैं 0 से 14 मीटर के बीच में वर्क डन निकालूं, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 0 एंड 14 मीटर। अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी एट x इक्वल टू 0, हमें दी हुई है कितनी, 12 जूल। हमें काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 14 मीटर हमें फाइंड आउट करनी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 14 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी किसके, वर्क डन के इक्वल होगी। वर्क डन फ्रॉम 0 टू 14 इंटरवल। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स और पोजीशन के बीच में हमें ग्राफ दिया होगा, इनके अंडर जो एरिया होगा, एरिया कवर्ड होगा, दैट विल गिव अस वर्क डन। यानी कि ये इस 14 तक ही निकालना है, 14 मतलब यहीं तक निकालना है। अब इसमें जो एरिया कवर्ड है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसको A1 बोल देते हैं, A2, A1 आ जाएगा हाफ इंटू में, देखो बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 10, ये 3 जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 30। इसका निकालोगे A2 वुड बी इक्वल टू, देखो ये -5 है नीचे, -5 इंटू में बेस कितना है ये 10 -6, ये हो जाएगा 4, आ जाएगा -2। ये A3 निकालेंगे तो ये आएगा, देखो 14 -10 ये आएगा 4 इंटू में ये हाइट कितनी, 5 आएगा 20, 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर दो, 30 -20 +20, यानी कि जो एरिया आ जाएगा दैट वुड बी 30। ठीक है, यहाँ पे साइन भी हमें लेके चलने पड़ेंगे, जो अबव एक्स एक्सिस है इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे वाला है नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका 30 आया था, इसका -20, इसका 20, सबको ऐड किया तो 30 आ गया। वर्क डन हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। और काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 14 हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 0 में 12 दे रखी थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 14 क्या हो जाएगी, -12 उधर जाएगा, 30 +12 हो जाएगा, दैट इज 42 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 14 मीटर हमारी कितनी आ गई, 42 जूल आ गई। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया। जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट इंटरवल जो 0 से 14 के बीच में हमने वर्क डन निकाल लिया, यूजिंग जो एफ एक्स का जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा। तो हमने वर्क डन निकाल लिया, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट इक्वल टू 0 हमें दी हुई थी और 14 पे हम निकाल ली थी, हमने यूजिंग दिस हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट वुड बी 42 जूल। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।